लोग आए थे तो कचरे का जो पूरा पहाड़ था पूरे 22 एकड़ में फैला हुआ था। आज उसकी स्थिति ये हो गई है कि वो तीन चार एकड़ में फैला हुआ है बस। बिहार का पहला गया में प्लांट है। यूरिया के जितने कंटेंट है वो सारे कंटेंट आपको इस जैविक खाद में ऑर्गेनिक मैन्योर में मिल जाएंगे। मोहल्ले से निकलने वाले जिस कचरे से शहर की तस्वीर बदरंग थी अब वही कचरा सोना उगल रहा है। गया जिले में घरों से निकलने वाले कचरे से अब जैविक खाद बनाया जा रहा है। किसानों में इसकी जबरदस्त डिमांड है। नगर निगम से कचरा आता है नगर निगम की गाड़ी से और हमारा वेवरीज लगा है यहाँ पे। वेवरीज पे काटा का वजन होता है, वजन होके यहाँ पे जो टिपिंग एरिया बनाया है उस पे डंपिंग करते हैं। उसके बाद में पहले मशीन में जाता है और मशीन से एक 75 निकलता है और RDF निकलता है पहली मशीन से। कचरा से क्या क्या तैयार किया जा रहा है और क्या प्लांट? रस्सी बन रही है, गिट्टा मशीन लगी है, हमारा प्लास्टिक से गिट्टा बनता है और रस्सी की मशीन लगी है और प्लास्टिक में मतलब 3-5 प्रकार की मशीन हमारी इसमें लगी है। हमारे बिहार का पहला गया में प्लांट है। डंपिंग यार्ड में ही खाद बनाने का काम हो रहा है। 30 करोड़ की लागत से डंपिंग यार्ड का निर्माण, यहां 14 मशीनें लगाई गई हैं। बताया जा रहा है कि कचरे से खाद बनाने के लिए बिहार झारखंड का पहला प्लांट है। सबसे पहले जो निगम की गाड़ी द्वारा जो कचरा आता है 400 टन जो भी आता है वो सबसे पहले टिपिंग एरिया पे आता है। टिपिंग एरिया पे वो 5 दिन रहता है ताकि उसमें अपन कल्चर डाल के उसकी जो स्मेल है उसको कंट्रोल कर सके। फिर डिकम्पोज होने के बाद 6वें दिन वो सबसे पहले इस मशीन में आता है। इस मशीन को कहा जाता है प्रीसॉर्टिंग मशीन। इसमें 2 स्क्रीन है, 25 mm और 75 mm। उसके बिलो जो भी होता है 25 और 75 के mm के बिलो में वो जाता है विंड्रोज में। वो 21 दिन का प्रोसेस रहता है, विंड्रोज रहता है। उसको हफ्ते में एक बार कल्टीवेट करते हैं एंड उसके बाद वो आगे प्रिपेटरी वाली मशीन में जाता है। एंड 75 के ऊपर का जो भी मटेरियल है उसको हम RDF बोलते हैं। वो RDF और MRF, RDF जाता है सीमेंट प्लांट पे, वहाँ पे वो लोग उसका बॉइलिंग में यूज़ करते हैं। और MRF जो है MRF सेक्शन में उसको अलग अलग तरीके से सेग्रीगेट किया जाता है। एंड देन आफ्टर विंड्रोज वो जाता है प्रिपरेटरी में खाद का रॉ मटेरियल तैयार होता है। खाद का रॉ मटेरियल तैयार होने के बाद वो 7 दिन के लिए वो उसको कल्टिवेट किया जाता है एंड देन फिर उसके बाद वो फिनिशिंग में जाता है। तो आगे वो मशीन 50 मजदूर है, 20 स्टाफ है खुद का कंपनी का, 50 मजदूर है अलग से। यहाँ से खाद बन के लोकल किसान जो भी है वो आते हैं और बोरियों में पैक करा के या ट्रैक्टर में अपने हिसाब से जैसी भी उनकी बोरे में ले जाते हैं। तो नगर निगम का पूरा वो बोरा तैयार किया गया है। कचरा डेली आता है 400 से 425 टन डेली का कचरा आता है। उसका जैविक खाद से ये फ़ायदा, एक तो जो जमी कंद है जैसे आलू प्याज वगैरह हो गए, एक तो उसको फ़ायदा मिलता है। दूसरा आप गार्डनिंग में भी यूज़ कर सकते हो, पेड़ पौधे में भी उसको लगा सकते हो। यूरिया के जितने कंटेंट है वो सारे कंटेंट आपको इस जैविक खाद में ऑर्गेनिक मैन्योर में मिल जाएंगे। शुरुआत में आप आए थे कचरा का पूरा पहाड़? शुरुआत में जब हम लोग आए थे तो कचरे का जो पूरा पहाड़ था पूरे 22 एकड़ में फैला हुआ था। पूरे 22 एकड़ में 20-25-30 फीट का पहाड़ था पूरे 22 एकड़ में। और आज उसकी स्थिति ये हो गई है कि वो 1 या 2 एकड़ में 3-4 एकड़ में फैला हुआ है बस। वो भी बरसात के पहले वो भी खत्म हो जाएगा। गया से बोलता बिहार की रिपोर्ट। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। अगर आप वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूले। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।